मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांग के हमें लज्जित मत कीजिए, हम भी आपको पहचान नहीं पाए थे, इसलिए हम भी आपसे क्षमा की याचना करते हैं। आप तो अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हम सब ऐसे ही एक दूसरे से क्षमा मांगते रहे तो सारा समय तो ऐसे ही बीत जाएगा। है ना माँ? पिताश्री, माँ को क्या हुआ? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मुझसे क्रोधित है क्या? पुत्र, इससे पहले तुम अपनी माँ से मिलने जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे संग। जी पिताश्री। पुत्र, इससे पहले कि तुम अपनी मां से कुछ कहो, एक बार अपना नया स्वरूप देख लो। नया स्वरूप? ये मुख? पिताश्री, मैं समझ गया। माँ को जो ममता मेरे पुराने रूप से थी, वो इस स्वरूप से नहीं है। उन्हें मेरा ये नया मुख प्रिय नहीं लगा है पिताश्री, इसीलिए तो उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। तुम्हारा मुख अवश्य बदल गया हो पुत्र, पार्वती का हृदय नहीं बदला और ना ही बदला है हृदय में प्रेम। पार्वती अपने पुत्र से अतः सीमित प्रेम करती है। मुख बदलने पर तुम हो तो पार्वती के ही पुत्र ना। तुम देखना, तुम्हारी मां तुमसे और अधिक, बहुत अधिक प्रेम करेंगी। तुम्हारा यह नया स्वरूप उनके हृदय में सदैव के लिए समा जाएगा। और सत्य तो यह है पुत्र, अगर तुम भी विचार करोगे, तुम्हारा नया मुख पुराने मुख से कहीं अधिक उत्तम है। पिताश्री, मैं माँ से मिलने जाऊँ? अवश्य।
पुत्र, पुत्र। कमल के पुष्प की तरह था वो खिला हुआ मुख, सरस्वती के आशीर्वाद से शब्द धारा प्रवाह बहते थे उससे, प्रेम से छलकती आंखें, सूतवा नाक, गालों पे नटखट स्वभाव की लाली, वो मुख सुंदरता की प्रतिमूर्त था। कैसे कैसे भूल पाऊंगी मैं उसे, कैसे स्वीकार कर पाऊंगी अपने पुत्र के इस नए स्वरूप को। माँ कहाँ है? बहुत थक गया होगा ना? चल, तेरा हाथ मुंह धुला के तुझे भोजन करा देती हूँ। माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरा पुत्र, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? लगी तो नहीं पुत्र? पुत्र क्या हुआ? पुत्र तुझे चोट तो नहीं आई? जो चोट आपको लगी है माँ, उसके सामने ये चोट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चोट आपको मैंने दी है। आपने मुझे इतना सुंदर मुख दिया था और अपनी उद्दंडता से मैंने उसे खो दिया। पर माँ ध्यान से देखिए तो मेरा ये मुख भी कितना अच्छा है ना? इस रूप के कान कितने बड़े हैं? ये प्रतीक है अधिक सुनने के। और मेरा मुख देखिए, इस पर सूंड का पहरा है। पहले कान बड़े नहीं थे और मुख पर पहरा नहीं था, इसीलिए मैंने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बिना सुने बस बोलता ही चला गया और परिणाम क्या हुआ? पिताश्री और अन्य सभी को अपने साथ युद्ध के लिए विवश कर दिया मैंने और अपना पुराना शीश गवा दिया। पर अच्छा ही है, कहते हैं अधिक सुनने और कम बोलने वाले ही ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? और हाँ, जो एकाग्रता और सूक्ष्मता से किसी वस्तु को देखे वही उसे सही ढंग से समझ पाता है। इसीलिए तो देखिए मेरी ये नई आंखें सूक्ष्मता और एकाग्रता से देखने में पूरी तरह सक्षम है। यदि मैंने इन गुणों का प्रयोग पहले किया होता तो मैं पिताश्री
और अन्य सभी देवताओं को पहचान जाता और युद्ध होता ही नहीं। और सबसे अधिक विशेष तो मेरा मस्तक है माँ। बुद्धिमत्ता का प्रतीक और ऐश्वर्य का भी, क्योंकि गज के मस्तक पर लक्ष्मी मामी श्री का वास होता है, है ना माँ? वैसे भी जहाँ बुद्धि होती है वहाँ सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। यदि ये मस्तक मेरे पास पहले होता तो मैं भी बुद्धिमानी से निर्णय लेता और किसी के साथ युद्ध नहीं करता। आप तो अब तक मौन है, बोलिए ना माँ, मेरा ये रूप सचमुच अच्छा है ना? बोलिए ना माँ, मेरा ये रूप सचमुच अच्छा है ना? मेरा पुत्र। हाँ माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपकी हिर जैसे जन्मा हूँ। माँ बताइए ना, मैं अच्छा हूँ ना? इस पूरे संसार में तुझसे अच्छा, तुझसे सुंदर और कोई नहीं है पुत्र। जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता इस संसार की हर माँ के लिए अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है, और उसके बाद जो उसके हृदय को भाता है वो है उसके पुत्र का नाम। और इसीलिए आज मैं तेरा नामकरण करूंगी। तेरे इस गजमुख के कारण आज से तेरा नाम गजानंद होगा। आज से तेरा नाम गजानन होगा। आज से तेरा नाम गजानन होगा। आज से तेरा नाम गजानन होगा। ओम शूर्पा कर्णाय नमः। भविष्य में तुम विघ्नहर्ता बनोगे पुत्र। तुम्हारे होने से किसी भी पूजा अनुष्ठान और शुभ कार्य में कभी विघ्न नहीं आएगा। मेरे छोटे भाई, प्रणाम भ्राता। तुम्हें देखते ही जैसे मुझे सुख मिला है ना, वैसे ही सभी के लिए तुम दुख हरता और सुख करता बनोगे। पुत्र, तुम महान कार्य करोगे जिसके कारण ना केवल साधारण मनुष्य
बल्कि देवता भी तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रथम पूज्य बनोगे तुम। हाँ पुत्र, हम सबसे पहले तुम्हारा पूजन होना अनिवार्य हो, और यही नहीं मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देव भी तुम ही कहलाओ। आपका तेज और प्रताप दसों दिशाओं में व्याप्त होगा। जो आपको पूजेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कितना सौभाग्यवान हूँ मैं कि मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिला है, पर जिनके कारण मुझे ये नया स्वरूप मिला, बस उन्हीं का आशीर्वाद नहीं मिला मुझे। हे शनिदेव, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कृपया मुझे दर्शन दे। मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए शनिदेव। यदि आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती तो मेरा अहंकार कभी समाप्त नहीं होता और मुझे ये स्वरूप भी नहीं मिलता। मैं पूरे हृदय से आपका आभारी हूँ देव। जो हुआ उसे देव योग कहिए या मेरी नियति, परंतु इन सब के कारण माँ को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मुझे ये दुख सदैव रहेगा गजानन। विधि के विधान से हम सब बंधे हैं शनिदेव। आपके पांव पर आघात करके मैंने आपको दंड दिया था। ये दंड अब मैं आपको सौंप रही हूँ शनिदेव। इस दंड के रूप में मेरी शक्ति सदैव आपके साथ रहेगी शनिदेव। आज के बाद आप कभी निर्बल नहीं हो। माँ, श्री गणेश, श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश। गर्व, तुम्हें ज्ञात नहीं प्रभु विष्णु ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना की है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब आरंभ होगी।